चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को रक्षा, अमित शाह को गृह, जबकि एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु तथा उद्यम मंत्रालय, जबकि स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय के साथ साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमन को वित्त एवं कॉरपोरेट, रामविलास पासवान को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य तथा आपूर्ति, रविशंकर प्रसाद को विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी, जबकि हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। थावरचंद गहलोत को न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। झारखंड से आने वाले अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामले, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को रेल, उद्योग एवं वाणिज्य, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात मंत्रालय दिए गए हैं। प्रहलाद जोशी को खनन एवं कोयला मंत्रालय के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र नाथ पांडेय को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नई कैबिनेट में कुल 57 मंत्री होंगे, जिनमें भाजपा के 53 जबकि सहयोगी दलों के 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। 20 ऐसे नाम हैं जिन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। 24 नेताओं को कैबिनेट जबकि 33 को राज्य मंत्री के तौर पर सेवा का मौका दिया गया है। कुल 22 राज्यों को दिए गए प्रतिनिधित्व में यह कोशिश हुई है कि हर वर्ग को पूरा मौका मिले। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 33 राज्य मंत्रियों में से 9 को स्वतंत्र प्रभार दिए गए हैं। नए मंत्रिमंडल में करीब 22 पुराने मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। अरुणाचल पश्चिम सीट से 2 बार के सांसद किरण रिजिजू का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर दिया गया है। गिरिराज सिंह को पिछली बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दर्जा दिया गया था, लेकिन इस बार वह केवल राज्य मंत्री बन पाए हैं। पिछली सरकार में 9 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था, जबकि इस बार केवल 6 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। महेंद्रनाथ पांडेय पिछली बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज वार्ता के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।